हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये 5 तारीख की वीडियो है और एमी को हम थोड़ा बहुत खाने को दे रहे हैं, तो आइसक्रीम थोड़ी बहुत उसको चटा रहे हैं और फिर उसके बाद इसको छाछ देंगे, तो थोड़ा थोड़ा इसका जो पेट मतलब झेल सकेगा वो चीज़ें इसको देंगे। तो पहले इसको आइसक्रीम खिलाई और उसके बाद इसको हमने दी छाछ। तो छाछ कुछ ज़्यादा दे दी थी पर उसने थोड़ी सी पी इसमें से, ऐसे थोड़ा बहुत वो खाने लगी तो थोड़ा सा मन ठीक हो गया हम लोगों का भी कि थोड़ा थोड़ा वो खाने लगी। जब तक वो नहीं खा रही थी या कुछ नहीं पी रही थी तो हम लोगों का भी दिमाग ऐसे ही था। लेकिन अब हम 7 दिन का बोले थे भगवान से कि हम 7 दिन अन्न नहीं लेंगे, तो अभी हमारे 3-4 दिन तो हो चुके हैं। तो ये टाइम है 11 बजे का और दूध जो 10 बजे हमारे यहाँ आता है वो गर्म होके ठंडा हो गया और अब मैं ठाकुर जी को रख रही हूँ कि पहला दूध मैं ठाकुर जी को ही रखती हूँ, उसके बाद ही उसको यूज करती हूँ। आज मैंने कुर्ता और स्कर्ट पहने, लॉन्ग स्कर्ट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो गर्मी बहुत हो रही है और 11 बजे अभी 11:15 का टाइम है। बहू कॉलेज जा चुकी है, बेटा क्लिनिक जा चुका है, काम अभी खास है नहीं क्योंकि खाना बनता ही नहीं घर में। तो सुबह आलू उबाले थे और लस्सी बनाई थी, आलू उबले हुए खा लिए, वैसे भी 11 थी हमारे, तो काम कुछ किचन का था है नहीं। तो सोचा कि अभी थोड़े से पौधों को देख लूं जो मैंने पहले उगाए थे, उनको सारी चिड़िया खा गई। एक सरवरी जी है मेरी व्यूअर्स, वो कह रही थी कि आंटी आपके धनिये दिखाओ, धनिये उग गए होंगे, तो वो धनिये सारी चिड़िया खा गई है। बीज निकाल निकाल के खा जाती हैं चिड़िया, सुबह बहुत सारी आ जाती हैं और सारे बीज खा जाती हैं। तो मैं फिर से डाल रही हूँ बीज, धनिये के भी डाल रही हूँ, शिमला मिर्च मिर्च सबके बीज मैंने रख रखे हैं, करेले वगैरह के, तो वो डाल रही हूँ। तो मैं बाहर बस इसके पीछे ही मेरा छोटा सा गार्डन है, ये तो इसमें डाल के आ रही हूँ। काम कुछ है नहीं, मन लग रहा नहीं था, पूजा भी कर ली, भगवान के नाम भी लिख लिए, सब कर लिया, टाइम पास ही नहीं हो रहा है। तो फिर बाद में मैं सो जाऊंगी, इसलिए मैंने कहा पहले थोड़ा सा अभी कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर छाया है तो यहाँ पे पीछे बैठ के थोड़े से बीज डाल देती हूँ। तो चलते हैं, आप भी चलिए मेरे साथ। ये कुछ बीज हैं जो मैं घर में ही निकाल लेती हूँ, जैसे करेला में पके हुए बीज निकलते हैं या फिर मिर्ची के बीज को मैं सुखा देती हूँ, और चाय की पत्ती तो है ही, तो चाय की पत्ती मिट्टी में डाल दूँगी और ये बीज मैं वापस डालूँगी। कुछ बीज मैंने पहले डाले थे वो मेरी चिड़िया बिल्कुल खा गई तो निकले ही नहीं, तो अब फिर डाल दूँगी। मेरे को क्या है, शौक है बहुत ज़्यादा कि मेरे घर में थोड़ी थोड़ी कोई भी सब्ज़ी निकले, हालांकि पूरी नहीं पड़ती कोई चीज़, लेकिन वो जो उगी हुई होती है और घर में निकलती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इन बोतलों में जो मैंने आपको पहले दिखाई थी अपनी वीडियो में, इनमें मैं वापस डाल रही हूँ। तो ये धनिया के बीज डाल रही हूँ, पहले वाले धनिया चिड़ियाँ खा गई हैं तो मैं दोबारा डाल रही हूँ। कुछ करेले के बीज हैं, जो भी बीज मतलब पनपेगा वो पनप जाएगा और ना पनपेगा तो ना, मैं इसलिए जितने बीज होते हैं मैं डाल देती हूँ। कोई ऐसा बीज होता है जो पनप जाता है तो कोई ना पनपे तो मैं ज़्यादा बीज डाल देती हूँ। और इस मिट्टी में मैं चाय की पत्ती डाल रही हूँ जिससे ये उपजाऊ हो जाएगी। बाद में मैं दाल चावल वगैरह धोया हुआ पानी है या सब्जियों का पानी है, केले के छिलकों का पानी है, फलों के छिलकों का पानी है, वो सब इन पौधों में डालती रहती हूँ। इससे ये जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। गोबर की खाद भी डाल देती हूँ इनमें कभी कभी, होती है तो, नहीं होती है तो फिर मैं जो घर में जो भी पानी निकलते हैं जैसे मांड हुआ चावल का हो, ऐसी चीज़ें मैं डालती रहती हूँ इनमें जिससे मेरे पौधे हरे हो जाते हैं। तो ये जो बैंगन का पौधा आपको दिख रहा है, इसमें बैंगन आए थे काफ़ी और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन ये वापस खड़ा हो गया है। थोड़ी सी केयर चाहिए इनको और इनमें कुछ ना कुछ लगता रहता है। ऊपर जो मेरा टेरिस गार्डन है उसमें भी काफ़ी कुछ थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। तो ये शौक मुझे मेरी नानी के कारण आया है। मेरी मम्मी बताती थी कि तेरी नानी छोटे छोटे पौधे घर में उगाए रखती थी और वही शौक मेरे भाई साहब में था। भाई साहब बहुत अच्छा गार्डन लगा के रखते थे और सभी तरह की सब्जियां हमारे घर में निकलती थी और हम पड़ोसियों को दिया करते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जियां निकलती थी घर में
कि हमें पड़ोसियों को देनी पड़ती थी। तो ऐसा ही शौक मुझे है, लेकिन हाँ मेरे यहाँ नहीं लगता, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हम मेरे जो हस्बैंड है वो कर जाते हैं, वो पानी ज़्यादा दे देते हैं और मेरे पौधे गल जाते हैं। तो इस बारे में मेरे उनसे बहुत लड़ाई होती है, लेकिन वो मानते ही नहीं, पानी ज़्यादा दे देते हैं। पानी ज़्यादा देने से सारे पौधे गल जाते हैं और वो उनकी जड़ें भी गल जाती हैं। इसलिए पानी पौधों में इतना ही होना चाहिए जितनी उनको ज़रूरत है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी अभी मैं दूंगी इनमें, और यहाँ के पौधों को मैंने कह रखा है कि मुझे ही संभालने दो, मैं अपने आप इनको संभाल लूँगी। लेकिन फिर भी वो पीछे से पानी दे देते हैं, मास्टर जी ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो फिर ये पौधे मेरे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बारे मेरी खूब लड़ाई होती है उनसे, लेकिन जो जितने हैं पौधे उतने सही थे, और क्या, मैं तो अपना शौक़ है उसको पूरा कर लेती हूँ, और ये शौक़ मुझे बहुत ज़्यादा है। छत में भी मैंने कटिंग से जितनी बार जाती हूँ कटिंग से पौधे लगा के आ जाती हूँ, और कोई भी पौधा मेरा, बहुत कम पौधे खरीदे हुए हैं, सारे कटिंग से ही मैंने लगा रखे हैं। और अपनी बेटियों को भी दे देती हूँ थोड़े थोड़े पौधे, उनके लिए भी कटिंग करके लगा देती हूँ, किसी भी डब्बे में लगा देती हूँ, चाहे मिठाई का डब्बा हो, चाय बोतल हो, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसमें लगा के मैं अपनी बेटियों को भी दे देती हूँ। तो वो भी यहाँ से कई तरह के पौधे मेरे से ले जाती हैं। तो ये सब पौधे मेरे कटिंग से लगाए हुए ही हैं, और कुछ मैं अपने घर से बीज निकाल लेती हूँ, जैसे बैंगन कोई ख़राब हो गया है, टमाटर ख़राब हो गया है, करेले हो गए हैं, या जब काटते हैं हम कोई सब्जियां तो उनमें बहुत से बीज निकल जाते हैं, तो उनको मैं छाया में ही सुखा देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर भी इतनी गर्मी हो रही है, तो अब मैं बना के रखूँगी सिकंजी। बेटे बहू आएंगे गर्मी में धूप में, तो कल भी मैं सिकंजी बना दी थी। तो सिकंजी मैं काला नमक और चीनी डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो नींबू के छिलके बचेंगे ना, इनको मैं इकट्ठे कर रही हूँ, इनको फिर मैं उबाल के इनका एक पानी बनाऊंगी। छिलके जो बच जाते हैं उनका उबाल के पानी बनाती हूँ मैं, जिससे गैस भी साफ हो जाता है। उसमें चाहे आप मीठा सोडा डाल दो, या फिर अपना ये सर्फ भी डाल दो, थोड़ा नमक डाल दो, ऐसे करके, और जो वो पानी बन जाता है उसको छान के, और उससे हम अगर किचन के जो टॉवल होते हैं वो धोएं तो वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ऊपर से विम बार जो साबुन होती है ना वो लगा दे, तो उनकी पूरी चिकनाई वगैरह साफ हो जाती है। तो अभी मेरे बहुत दिन से बहुत गंदे हो रहे हैं, और विम बार साबुन नहीं थी मेरे पास, उससे धोने पर भी साफ हो जाते हैं। नींबू भी नहीं थे, तो अब नींबू आए, अब छिलके इकट्ठे करके मैं फिर एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, जिसमें मैं किचन के टॉवल सारे साफ करने बताऊंगी, उसके बाद उनको धूप दे दें। और अगर आप धूप ना दे सके तो उन्हें प्रेस मार दें, तो उसकी प्रेस की गर्मी से भी उसके कीटाणु सारे मर जाएंगे। तो अभी तो मैं बना रही हूँ सिकंजी। तो सिकंजी मेरी बन गई है, और नींबू के छिलके जो बचे हैं, कल के भी बचे थे और आज के भी हैं, तो ये उबाल लूंगी मैं इनको, और थोड़ा नमक डालूंगी इसमें। तो मीठा सोडा भी डाल दिया है इसमें मैंने, ये देखिए मीठा सोडा डाल दिया है। तो उस टाइम मेरी क्लिप हो गई थी मिस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी मेरी वीडियो छोटी छोटी, तो सारी मैंने डिलीट की। तो ये मेरा जो घोल है वो बन चुका है, नींबू, मीठे सोडे, नमक, और इसमें सर्फ डाल दूंगी, जो जिससे भी मैं कपड़े धोती हूँ वो डाल दूंगी, चाहे विम बार साबुन से। मैं कल आपको मेरे जो किचन टॉवेल है वो धो के बताऊंगी। अभी मैं
ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा।